हमारे YouTube चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम, और जो हमारे टॉपिक्स है वो एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि डिजीज है स्केलेटल जो कि मसल से रिलेटेड, इसमें जो कि हम देखेंगे कि जो एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता क्या है, और इसकी जो है पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और इसके क्लिनिकल फीचर्स, और इसको किस तरह हम डायग्नोज करेंगे, और इसके किस तरह हम ट्रीट कर देंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्स लिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब एक्स लिंग मसल से जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि मसल की क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉफी हो रहा है, तो ये किस वजह से होता है। तो इसमें मोस्टली होता है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, जो कि इसमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो करेक्टराइज करता है मसल को वेस्टिंग मसल रिप्लेसमेंट, जो कि जो वेस्ट मसल इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं ऑफ स्केलेटल मसल बाय एडिपोज टिश्यू, जो कि एडिपोज टिश्यू से जब डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं इसकी करेक्टराइज में, जो करते हैं मसल वेस्टिंग रिप्लेसमेंट ऑफ स्केलेटल मसल की बाय एडिपोज टिश्यू, अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। इसमें ये किस वजह से होता है, अगर इसकी एपिडेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इससे ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन। ये एक म्यूटेशन जीन जो है डिस्ट्रोफिन जीन की जो है म्यूटेशन की वजह से एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, डिस्ट्रोफिन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द मसल साइटोस्केलेटल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मेंटेनेंस, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और जो है साइटोस्केलेटल मसल के लिए जो है डिस्ट्रोफिन जो है ये जीन है वो इम्पोर्टेंस होता है। ये क्या काम करता है, ये जो वेस्टिंग जो है मस्कुलर जो है मसल है उसकी रिप्लेसमेंट करता है बाय एडिपोज टिश्यू। जब ये डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन आ जाए तो ये प्रॉपर इसकी रिप्लेसमेंट नहीं उससे रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा जो कि म्यूटेशन होगा, और ऑफ स्पेंटेनियसली लार्ज जीन साइज, और इस जिसमें लार्ज होगा प्रीडिपोज्ड ऑफ हाई रेट ऑफ क्या होगा, म्यूटेशन। जब हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। सेकेंड ड्यूनेज जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हम बात करें ड्यूनेज जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं ये जो कि क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ डिस्ट्रोफिन, जो कि इसमें डिस्ट्रोफिन की डिलीशन की वजह से ये क्या होता है, ड्यूसिनेज जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, जो कि प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल वीकनेस ऑफ वन ईयर एज, जो कि अगर इसकी डिजीज की बात करें अगर ये हो तो इसमें जो कि क्या होता है, जो मसल जो है प्रोक्सिमल जो कि एक्सियल प्रोक्सिमल लैटरल जो कि हमारे जो प्रोक्सिमल्स हैं उस मसल की वीकनेस होता है, किस में, जो वन ईयर्स के जो है एज में जो है पर्सन की उसमें प्रोक्सिमली इसकी क्या होता है, मसल वीकनेस होता है एज ए प्रेजेंट साइन और सिम्टम के साथ आएगा, जो कि प्रोग्रेसिव इन्वॉल्व होता है किस में, डिस्टल मसल की, ठीक है, जिसमें क्लेव सोडो हाइपरट्रॉफी होगा, जो कि हमें उसमें अगर हम देखें तो इसकी साइन सिम्टम में जो कि सोडो हाइपरट्रॉफी इस करेक्टराइज फाइंडिंग, इसकी जो मेन करेक्टराइज फाइंडिंग है वो क्या है, सोडो हाइपरट्रॉफी है, जो कि अगर हम डायग्नोज करें तो हम इसकी सीरम क्रिएटिनिन काइनेज इज एलिवेटेड, अगर हम डायग्नोज करें इस पेशेंट्स की तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, इसकी सीरम क्रिएटिनिन काइनेज हमें इसकी एलिवेटेड मिलते हैं, हाई मिलते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसकी सोडो हाइपर डिस्ट्रॉफी चल रहा है। इसकी रिजल्ट की वजह से क्या होता है, एट द एंड इसमें रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एट द एंड रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि ये पेशेंट्स या कार्डियक की वजह से या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या मायोकार्डियम की वजह से क्या होता है, ये कॉमन इन्वॉल्व होता है इसकी वजह से, एज एंड रिजल्ट पेशेंट की डेथ हो सकते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट है वो बेकर्स जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर इसकी बात करें तो ये डिस्ट्रॉफी ड्यू टू म्यूटेटेड डिस्ट्रोफिन, अगर जो डिस्ट्रोफिन जीन इस ये म्यूटेटेड हो तो इसकी वजह से ये होता है, जो क्लिनिकल रिजल्ट एस माइडल डिजीज होता है, माइडल डिजीज है ये, इसकी वजह से भी क्या होता है, एक्स लिंक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। अगर इसकी डायग्नोस की बात करें तो हम डायग्नोस हम सीरम क्रिएटिनिन काइनेज देखते हैं, जो कि
ब्लड टेस्ट करते हैं, ये करके हम क्या करते हैं इसकी डायग्नोस कर, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है क्या देंगे, हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे और इसके साथ जो कि एंसर देंगे स्टीरॉयड, स्टीरॉयड देंगे प्रेडी सोन्स लाइक, जो कि क्या करते हैं ड्रग देंगे जो क्या करते हैं जो है हमारी मसल को क्या है डिस्ट्रॉफी होने में क्या करते हैं उसकी जो है रेट को क्या करते हैं स्लो करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा लूज होने में। तो ये हम ये ड्रग देते हैं और इसकी क्या करेंगे हम जो प्लेन्स है जो कि वे ऑफ लाइफ स्पेंडिंग हम इसको चेंज करेंगे और डाइट चेंज करके हम इसकी क्या करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे।